मैंने आज ट्राई किया कॉर्नफ्लोर का हलवा। जी हाँ, मीठे में कुछ बनाने का मन कर रहा था, तो मैंने यूट्यूब पे सडनली देखा कि कॉर्नफ्लोर का हलवा बन रहा है, तो मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं। बट मैंने क्या किया कि एक चीज़ गड़बड़ कर दी इसमें, एक बार में कॉर्नफ्लोर डाल के अच्छे से स्मूथ नहीं हो पाया और दाना दाना रह गया, बाकी टेस्ट वगैरह सब अच्छा आ रहा था इसका। तो आप इसकी पूरी रेसिपी अगर देखना चाहते हैं तो मेरे शॉर्ट्स को चेक कीजिए जो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, और बस ट्राई कीजिए। काम खत्म हो चुका है और चलते हैं गांधी मैदान के मेला में। गांधी मैदान में बहुत सारा मेला लगा हुआ है, आई थिंक 3-4 मेला लगा हुआ है, बट मैंने आपको सिर्फ सरस मेला और एक क्या बोलते हैं लाहासा मार्केट वाला मेला दिखाया है। तो आज दो मेला घूमने का प्लान है। चलिए सबसे पहले चलते हैं, यहाँ पे एक शिल्पी बाजार टाइप कुछ मेला लगा हुआ है, पहले उसको एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ भी अच्छा ही बनाया है, आप यहाँ भी घूम सकते हैं। शॉर्ट ये सरस मेला से काफी छोटा मेला है, बट हाँ यहाँ भी छोटी मोटी चीजें अच्छी है, आप खरीद सकते हैं आके। मैंने ये तो देख लिया, अब चलते हैं दूसरे मेले में, और होपफुली आप लोगों ने भी देख लिया मेला, और काफी खाली है, अब खत्म ही होने वाला है, तो बहुत सारे लोग घूम के जा भी चुके होंगे। तो अच्छा है, अच्छे दिन आए हम लोग, कोविड बढ़ रहा है, भीड़ कम है, अच्छा है कि हम लोगों ने ज़्यादा भीड़ में नहीं घूमा। चलिए चलते हैं दूसरी जगह। यहाँ पे हैंडलूम एक्सपो लगा हुआ है, मतलब हाथ से बनाए हुए कपड़े। तो चलिए देखते हैं क्या है क्या नहीं, अभी तो कुछ लेने का मूड नहीं है, बस ऐसे एक्सप्लोर थोड़ा कर लेते हैं कैसा लगा है कैसा नहीं। चलिए तो चलते हैं, देखते हैं कैसा लगा है। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लगी हुई थी, बट मैंने कुछ भी लिया नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ लेने लायक लगा नहीं, अभी कुछ नीड नहीं थी, तो फालतू का लेने का कोई मतलब नहीं है। बस ऐसे ही छोटा सा घूमने आए थे, काम खत्म हो चुका था, रात हो चुकी है और ठंडी भी बढ़ चुकी है, तो बस सोचा कि थोड़ा देख लेते हैं क्या है क्या नहीं, देखना तो बनता है ना, बगल में लगा हुआ है। तो फिलहाल चलिए चलते हैं घर, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, और मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। ये बात मैंने इस ब्लॉग में शायद नहीं बोला, तो मैंने सोचा मैं अभी बोल देती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और आज साल का पहला दिन, मतलब 2022 खत्म हो गया और 2023 आज से स्टार्ट हो चुका है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार। हम लोगों का तो नया साल चैत महीने में आता है, बट साल बदल रहा है, 2023 आ गया, तो इस हिसाब से हम लोग यही कामना करेंगे ये पूरे साल कि सब सुख शांति अमन चैन से रहें, कोरोना जैसा कोई बीमारी फिर से ना आए, सबकी लाइफ अच्छे से रहे, सब खुशी खुशहाल रहें, जो मेहनत करे जिस चीज़ के लिए उसे वो सारी चीज़ें मिल जाए। और इसी अच्छे थॉट के साथ इस साल की शुरुआत करते हैं, और साल के सुबह सुबह मुझे क्या मिला है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। चलिए, मुझे साल के शुरुआत में मिले हैं रसमलाई, जो कि मेरा फेवरेट है, रोजेस किसे नहीं पसंद है, और चॉकलेट्स। तो इससे दिन की शुरुआत करते हैं, और ठंडी बहुत ही ज़्यादा है, नए आलू भी आ चुके हैं मार्केट में, वो तो बहुत पहले से ही आ चुके थे, तो मैंने सोचा कि चलो अच्छे दिन कुछ अच्छा बनाते हैं। तो आलू पराठा एक ऐसा चीज़ है जो शायद ही कोई ऐसा पर्सन होगा जिसे पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा चलो आज दिन की शुरुआत कुछ आलू पराठे से करते हैं। गर्मा गर्म पराठे सर्दी में मिल जाए तो क्या बात है। और मैंने बनाया था बैंगन और टमाटर को एकदम देसी तरीके से तवे पे पका के उसकी चटनी, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आपने देखा मुझे क्या मिला है, मुझे पर्सनली रोजेस बहुत ही ज़्यादा पसंद है,
तो बस मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ठंडी इतनी ज़्यादा है कि पूरा गेट वगैरह सब बंद है, बहुत ही ज़्यादा बाहर कुहा गिरा है, बहुत हवा चल रही है और बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, इसलिए ठंड से भी बच के रहिए। अच्छी है, थोड़ी बहुत ठंडी होनी भी चाहिए, नहीं तो फिर गर्मी में तो हालत ख़राब हो जाता है। मुझे पर्सनली सर्दी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इसी अच्छे थॉट के साथ कि सबके जीवन खुशी खुशहाल रहें, सब अच्छे से रहें और सब जो चाहे वो उनको मिल जाए, इस ब्लॉग का एंडिंग करते हैं। होपफुली आपका भी पूरा साल अच्छे से बीते और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और सर्दी से बच के रहिए। बाय।